बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस अपनी रणनीति के बूते बेहतर परिणाम की आस लगाए हुए बैठे हैं। दोनों पार्टियों की नजर 8 सितंबर को मतगणना पर टिकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि बागेश्वर का चुनाव उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम धामी द्वारा राज्य में जन कल्याण, लोक कल्याण, विकास कार्य किए गए हैं और साथ ही साथ नए कानून भी बनाए गए हैं। इन सब पर जनता की मोहर लगनी चाहिए। भाजपा इस चुनाव के परिणाम को लेकर उत्साहित है, लेकिन मोहर देकर उसे एक तरफा तय हो गया है कि बागेश्वर का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नजर भी 8 सितंबर को मतगणना पर टिकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने दावा किया है कि अगर घपला नहीं होगा तो कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव जीत सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 नंबर बूथ जो की मशीन सबसे लेट स्ट्रांग रूम पहुंची है, जबकि 70 किलोमीटर दूर की मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी थी, लेकिन रात 8 बजे तक सबसे नजदीक केंद्र की मशीन नहीं पहुंची, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के सबसे ज्यादा वोटर रहते हैं। ऐसे में गड़बड़ की आशंका और परिणाम अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां के लोग परिवर्तन चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य में जन कल्याण, लोक कल्याण के काम किए गए हैं, जो विकास कार्य किए हैं, जो उन्होंने राज्य में नए कानून बनाए हैं और जो केंद्र की योजनाएं राज्य में फलीभूत हो रही हैं, इन सब पर जनता की मोहर लगनी है। हम इस चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। हमारी सरकार ने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास काम किए हैं और संगठन के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी है, उस मेहनत का परिणाम कल आने वाला है। हम उत्साहित भी हैं और आशावान हैं कि बागेश्वर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान करेगी। जैसे वहां माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से तैयारियां थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जनसभाओं में, रोड शो में जनता का प्यार और स्नेह मुख्यमंत्री जी को मिला, उससे एक तरफा तय हो गया है कि बागेश्वर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ जीतने वाली है। कल सुबह से मतगणना होने वाली है, हम सब उसकी प्रतीक्षा करने वाले हैं और कल निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता मिलकर जश्न मनाने वाले हैं। हम जीतेंगे, अगर घोटाला नहीं हुआ होगा, कोई घपला नहीं हुआ होगा तो निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि 10 नंबर बूथ में जिस तरह की खबरें आई हैं कि सबसे स्ट्रांग रूम से सबसे नज़दीक का जो मशीन है वो सबसे लेट पहुँची है, जबकि 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर की मशीनें पहुंच चुकी थी, लेकिन 8 बजे रात तक सबसे नज़दीकी केंद्र की मशीन नहीं पहुंची थी। और वो क्योंकि संवेदनशील है, वहां सबसे ज़्यादा बसंत कुमार का वोटर रहता है, तो मुझे लगता है कहीं गड़बड़ हुई होगी। अगर इस तरह की और जगह भी गड़बड़ हुई हो तो कुछ रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां लोग परिवर्तन चाह रहे थे और मैं लगातार 11 तारीख से 4 तारीख तक वहां बना हुआ था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला।